नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। शक्ति की उपासना करने का पवित्र त्योहार नवरात्र 7 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाला है। नवरात्र 9 दिनों तक चलने वाला और हिंदू पौराणिक मान्यताओं में बेहद खास महत्व रखने वाला त्योहार है। इस दौरान मंदिरों और घरों में लोग कलश की स्थापना विधि विधान से करते हैं। माना जाता है कि कलश ही भगवान के स्वरूप होते हैं, इसलिए जिस जगह कलश को स्थापित किया जाता है तो वहां पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। माना जाता है कि भक्त जितनी पवित्रता के साथ सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं, उतने ही ज्यादा माता अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है। ऐसे में पूजा पाठ में गलतियां ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं में नवरात्र के दौरान विधि से पूजा करने के सारे तरीके बताए गए हैं, जिसका पालन करते हुए पूजा संपन्न करना चाहिए। शारदीय नवरात्र वर्ष के सभी नवरात्रों में खास माना जाता है, इसलिए इस दौरान कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें इन 9 दिनों में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खासकर गलतियों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्र के दौरान किन गलतियों को करने से बचना चाहिए और किन किन चीजों का पालन करना चाहिए। नवरात्र के दौरान जो लोग उपवास रखते हैं उन्हें दाढ़ी मूछ या बाल नहीं कटवाने चाहिए। महिलाओं को भी इस दौरान 9 दिनों तक अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। मंदिरों में जब कलश स्थापित किया जाता है तो उस कलश की दिन रात देखरेख की जाती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कलश स्थापना करता है तो उसे 9 दिनों तक उस जगह को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कलश स्थापित करने वाली जगह पर एक न एक व्यक्ति को मौजूद रहना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों तक सात्विक और अरवा खाना को खाना चाहिए। इस दौरान किसी भी तरह के मांसाहार, लहसुन, प्याज, हल्दी, धनिया, हींग, गर्म मसाले, सरसों, लौंग आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें तामसी प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली मानी जाती है। वही बहुत से लोग नवरात्रि में 9 दिनों का उपवास रखते हैं। ऐसे में इन व्रतियों को और भी कई जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए। उपवास करने वाले व्यक्तियों को व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। उपवास के दौरान नशीली चीजों का सेवन करने से व्रत भंग हो जाता है और फल भी नहीं मिलता है, इसलिए नवरात्र के दौरान नशा पान कतई नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के मुताबिक नवरात्र के दौरान दिन के समय में व्रती को सोना नहीं चाहिए। यहाँ एक बात और बताते चले कि सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ के दौरान संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कही जाती है। ऐसे में नवरात्र पूजा करने वाले लोगों को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। वहीं महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान साफ सफाई का अधिक महत्व रहता है। नवरात्र के वक्त खान पान से जुड़ी चीजों का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। शरीर को गर्म करने वाले सरसों या तिल के तेल के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। इसकी जगह पर घी अथवा मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावे साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पर सेंधा नमक उपयुक्त है। अब आपको बताते हैं कि आप किन किन सही नियमों को इन 9 दिनों के दौरान कर सकते हैं। 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके माँ भगवती की पूजन करना चाहिए। इस बेला में ध्यान लगाने से माँ प्रसन्न होती है। उपवास के दौरान कुट्टू का आटा, अरवा चावल, सिंघारे का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, आलू, मेवा, मूंगफली, दूध, दही, मखाना आदि खा सकते हैं। इसके साथ ही जीरा, काली मिर्च और फलों को भी खा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान हर दिन अलग अलग देवियों को समर्पित होता है। ऐसे में इन 9 दिनों के अनुसार ही 9 देवियों की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इसके साथ ही कलश को सुबह और शाम दोनों पहर में आरती दिखानी चाहिए। इस दौरान सबसे जरूरी बात यह करनी चाहिए, जिससे माँ का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा, वह चीज है कि आप साफ मन से पूजा करें, किसी को दुख न पहुँचाए, पुण्य का काम करें और झूठ बोलने से बचे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।